बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में। और एक बार फिर लाऊं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज, तो चलिए तो सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर कल के पुराने पोल की। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप इस समय जो प्रेजेंट टाइम में ईमेल एड्रेस यूज करते हैं वो @gmail.com पर चलता है या फिर किसी अन्य डोमेन पर। तो आप में से 66% लोगों ने कहा भाई मैं तो @gmail.com यूज करता हूं, और 33% लोगों ने कहा भाई मैं तो किसी अन्य डोमेन को यूज करता हूं। अब कौन सा डोमेन आप यूज करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आज का सवाल आपसे ये है कि आप सभी लोग एक एंड्रॉयड यूजर हैं या फिर एप्पल के यूजर हैं या आईफोन यूज करते हैं, इन दोनों में से आपका क्या राय है बताएगा अपनी राय यहाँ ऊपर दिए गए पोल में। नीचे कमेंट्स में सारी बातें मिला लो, दबा दो इस लाइक बटन को थोड़ा प्यार से और थोड़ा जोर से ही दबाना ताकि मेरे तक ये लाइक आराम से पहुंच जाए। दोस्तों बात करते हैं आप सबसे पहले अपडेट की, निकल कर आता है व्हाट्सएप के टिप लाइन सर्विस को लेकर। और दोस्तों ये आ चुका है फाइनली इंडिया में। कहने का मतलब ये आपको सेवा लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप की तरफ से। अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है आपके अपने खुद के व्हाट्सएप अकाउंट पर और वो मैसेज लगता है कि ये यार मैसेज एक फेक न्यूज है, तो आप उस चीज को वहीं अगल बगल वहीं कहीं से सर्च कर सकते हैं कि ये मैसेज फेक न्यूज है या कितना ज्यादा सही है, कितना ज्यादा 100% प्योर है। आप उस चीज को यहां पर चेक कर सकते हैं। तो काफी अच्छा कदम उठाया है यहां पर व्हाट्सएप ने, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैं अपने टेक न्यूज में बताया था कि व्हाट्सएप कुछ नया कदम उठाने वाला है लोकसभा चुनाव होने से पहले, क्योंकि आप लोग को पता है, पूरे लोग सभी लोगों को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि इंडिया में होने वाला है लोकसभा चुनाव। देखते हैं आगे क्या नया नया अपडेट, नई नई सेटिंग लाता है ये व्हाट्सएप। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है पबजी को लेकर। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज आया है पबजी की तरफ से। दोस्तों अगर आप सभी लोग अहमदाबाद फिर या किसी अन्य जगह के रहने वाले हैं तो आपको पबजी की तरफ से बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि पबजी को फाइनली दोस्तों अहमदाबाद फिर अन्य जितनी सारी जगह है उन जगहों से पबजी का जो बैन था उसे बाद में फिर से वापस हटा दिया, किसी प्रकार का कोई बैन नहीं रहेगा। कहने का मतलब यही है, क्योंकि आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग को पता है मैं अपने टेक न्यूज में ये बात भी बताया हूँ कि यहाँ पर जैसे कि राजकोट हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसे तमाम जितने सारे छोटे मोटे शहर प्रदेश जितने सारे वहाँ जगह हैं वहाँ पर कोई भी लड़का कोई भी व्यक्ति अगर पबजी गेम खेलता था तो उसको वहाँ पर पुलिस आकर गिरफ्तार करके ले जाती थी थाने पर, वहाँ पिटाई करती थी। तो फाइनली इस चीज़ को सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। और सारी बातें मिलाकर सोचे समझे तो भाई यार देखो ना, सरकार रोक सकती है पबजी गेम खेलने के लिए, या कोई पुलिस रोक सकती है, या हमारे गार्जियन, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, हम पबजी गेम खेलेंगे। मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। देखिए ये कब रुक सकता है, जब हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें। क्योंकि आप देखो जब हम किसी चीज़ को अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे कि मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, हम सभी लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे इस गेम को इतने देर खेलना है, बस तभी ये गेम रुक सकता है, तब काफ़ी अच्छे तरीके से ये सुचारू रूप से चल सकता है। अब ये चाहे कि सरकार इस चीज़ को बैन कर दे, ये कर दे, फलाना ढिमक्का जो भी है, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखते हैं कि इससे और आगे का क्या क्या न्यूज़ हम सभी लोगों को देखने को मिलता है पबजी की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल कर आता है Realme की तरफ से। और दोस्तों फाइनली Realme 3 Pro स्मार्टफोन बहुत जल्दी यहां पर लॉन्च होने वाला है। हालांकि देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं कि Realme 3 Pro जो स्मार्टफोन है 15 से 20 तारीख के बीच वो लॉन्च होने वाला है, 22 से 22 फलाना निमका जितने सारे यहां पर बातें चल रही थी किस तारीख को लॉन्च होगा, उस तारीख को लॉन्च होगा, फिलहाल ऐसा कोई बात है ही नहीं। मेरा जहां तक सोच है, मेरी जहां तक राय है, Realme का जो फेवरेट जो डेट होता है अप्रैल के जो लास्ट में, यानी कि 25 से 30 तारीख के बीच में, मुझे यहीं तक लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है इसी दिन 25 से 30 अप्रैल के बीच में लॉन्च हो, मेरा यहां तक सोच है। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन कब लॉन्च होता है, कितना इसका प्राइस होता है, और ये कब इंडिया में लॉन्च होता है, मतलब सारी बातें मिला देते हैं तो सोचते हैं कि ये देखिए इंडिया में कब ये स्मार्टफोन आएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल कर आता है Xiaomi की तरफ से। और दोस्तों Xiaomi लेकर आ गया है Xiaomi वाटर प्यूरीफायर, अपना खुद का वाटर प्यूरीफायर, और ये दोस्तों लॉन्च हो गया है फाइनली इंडिया में, चाइना में, सारी जगहों पर लॉन्च हो गया है। तो भाई इसमें आपको सबसे अच्छी बातें तो आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा वाटर प्यूरीफायर है जिसमें आपको 3 साल तक कोई भी फिल्टर वाटर फिल्टर मतलब जो भी होता है उसको आपको यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी बातें हैं, आप इस चीज़ को अगर आप एक बार ले लेंगे तो आपको 3 साल तक किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है Xiaomi के वाटर प्यूरीफायर की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इसका मार्केट वैल्यू इंडिया में कितना होता है, ये तो बाद में पता ही चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट की, निकल कर आता है व्हाट्सएप की तरफ से। एक बार फिर वही न्यूज आया है दोस्तों लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और दोस्तों व्हाट्सएप पर एक सेटिंग आया है कि देखिए पहले क्या होता था कि आप सभी लोगों को अगर
किसी प्रकार का कोई व्हाट्सएप में किसी प्रकार का कोई ग्रुप चलता है तो कोई भी बनता है ग्रुप एडमिन आपको ऑटोमेटिक वहां से बिना कुछ पूछे जांचे आपको एडमिन कर लेता था, यानी कि ग्रुप में ऐड कर लेता था। लेकिन अब ये सेवा हटा दी गई है। अब आपको अगर कोई भी ग्रुप में ऐड करेगा तो आपको वहां सबसे पहले एक न्यूज आएगा या किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आएगा, तब जब आप चाहेंगे तब आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो काफी अच्छी बात है इस चीज को। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उठा रहा है, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कुछ कदम को लेकर चल रहा है कि यार देखो इंडिया में बहुत सारे इंडिया में इस समय लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो व्हाट्सएप ने कहा था कि लोकसभा चुनाव आने से पहले मैं कुछ नए नए कदम उठाऊंगा, व्हाट्सएप में कुछ नई नई चीजों का बदलाव करूंगा। तो काफी अच्छी बातें हैं क्योंकि यार व्हाट्सएप पर बहुत सारी फेक न्यूज को बढ़ावा दिया जाता है, बहुत सारे अगर आप कोई आपको ग्रुप में ऐड कर लेता है तो बहुत सारे फालतू के कंटेंट आते हैं। तो काफी अच्छा कदम ये व्हाट्सएप ने उठाया है। तो दोस्तों फिलहाल आज इस वीडियो में यही इतना। अगर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा मेरा जो है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपको ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में यही।